मैं आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्ट्रक्ट 3D में एक हॉरर गेम कैसे बना सकते हैं। तो पहले आपको जाना होगा, मैं एक फॉरेस्ट गेम बना रहा हूँ, हॉरर गेम फॉरेस्ट की। तो इसमें ये जो हॉरर बने हुए हैं ना, जिससे हम स्टाइल चेंज करते हैं, इसको आपने क्लिक करना, और इसमें ये टेरन एडिटर जो है ना, इसको आपने प्रेस कर देना, और जिसमें ये आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो जाए भाई, इससे आप ना माउंटेन्स बना सकते हो, जो कि मैं बना रहा हूँ अभी। अब मैं माउंटेन्स बनाना शुरू कर रहा हूँ। आपने इसको अपनी फिंगर से इजीली बस मूव करना है, तो ये पहाड़ियाँ बनी जाएंगी। ये देखिए, ये ऐसे हो गया। अब हमने जाना है सुनी साइड पे। अब इसको ध्यान से देखना, इस वाली वीडियो को कोई मिस्टेक मत करना, वरना आपकी पूरी की पूरी गेम खराब हो जाएगी। चलिए, ये बस हो ही गया मेरा तो डन। तो ये हो गया मेरा काम। अब मैंने जाना है इसके जूम, और अब ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, इससे आपने क्लिक करके ऊपर सर्च करना है। एक सेकंड जरा मुझे वो याद करने दो। तो आपने उधर सर्च करना है पाथ। मैंने पाथ सर्च कर लिया, इसमें ये नीचे रोड्स भी आ रही हैं इसमें। अब अगर आपने रोड्स लेनी है, आप रोड्स ले सकते हो, पाथ लेना पाथ ले सकते हो। पाथ कॉर्नर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। और ये क्या आ गया, अच्छा इसको तो गायब करो। तब तक हम अपना प्लेयर ऐड कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्लेयर। अब आपने बताऊंगा, इसमें ना एक मेन बात होती है, आपने अपने करेक्टर को ऐसे प्रेस करना है, और ये जो ऊपर ऐसे सेटिंग्स का है ना, इसको आपने क्लिक करना है। इसके हेल्थ पॉइंट्स 100 है ना, आपने इसको 10 कर देना, और इसकी स्पीड, इसका अटैक पावर भी बिल्कुल ही कम कर देना, जंप पावर भी 3 कर देना, और स्पीड मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ा देनी है, एक नंबर ही बनानी है सिर्फ, ठीक है। और नीचे ये सारा कुछ तो ठीक हो जाएगा इसका। तो अब हम अपना, तब तक एनिमी, ओ ये रोड आ गई, ये वाला पाथ मैंने सेलेक्ट किया था। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लूँ। तो आपने इसको ऐसे ही बनाई जाना। तो गाइस, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जब ये बनेगा तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस, ये सही पाथ नहीं था, ये गलत पाथ था। हमने सिर्फ, आप सिंपली रोड सर्च कर दो, मैंने रोड कर दिया सर्च। अभी हमने लेनी है पहले तो ये स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड आपने इसको कर देना ऐसे। तब तक हमने एक और चीज़ लेनी है, वो है सारों से ज़रूरी, ट्रीज। तो इधर मैंने ये खोल लिया, इसमें मैं ढेर सारे अपने जो भी ट्रीज मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले एक तो मैं ये ले लेता हूँ, ये भी, और साथ में अब मैं जाता हूँ इधर नीचे, और इधर हम थोड़े से डेड ट्रीज भी ले लेते हैं। ओहो, ये को मैंने सेलेक्ट कर लिया। चलो, ये इन ट्रीज को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब पहले हमें पाथ चाहिए, ये ट्रीज अभी हो रही हैं लोड, तब तक मैं पाथ बना लेता हूँ। चलो, पाथ बनाना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी रोड बनाना शुरू करते हैं। ओहो, ये तो इसका एक साइज गाइस, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है इसका एक साइज। तो आपने ऐसे ही इसको बनाई जाना, ठीक है। जब तक मैं इसको बनाता हूँ, तब तक मैं स्टॉप करता हूँ। तो गाइस, अब आप ये देख सकते हैं, मैंने पूरी पूरी रोड रेडी कर दी है। एक दफ़ा अपनी गेम को प्ले करके देख लेते हैं। तो ये कुछ अभी ऐसा दिखता है।
तो बड़ा आता है। अब हमने जाना है दोबारा एडिट करने। मैं इधर आ चुकी हूँ। अब तो मुझे अब आप सोच रहे होगे कि इधर मैंने गेट तो डाला ही नहीं है, तो जो जो इसमें मैं कुछ ना थोड़ा सा लावा लगाता हूँ, या पहले हम इसका पाथ रेडी कर लेते हैं, यानी कि इसका जंगल थोड़ा सा फीलिंग आए ना। प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो रहा, प्लेयर सिलेक्ट हो जा, इसको मैं इधर खड़ा कर देता हूँ और अब हम ट्रीज लगाना शुरू करते हैं। और क्या डालें, अब हम इधर थोड़े से डेड ट्रीज पे डाल देते हैं। ये डाल के थोड़ा सा तो डेड ट्रीज, अब मैं थोड़े से और जिंदा ट्रीज भी डाल देता हूँ। अब मैं इधर गैस लगा देता हूँ, एक और भी लगा देती हूँ वहाँ पर। चलो बस इतना सही है। ओके थैंक यू, जी आ गया। अब ये वाला तो हो गया रेडी। अब इसको मैं देखूँ जरा प्ले करके कि कैसा हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल जंगल की तरह हो गया। ओके अभी मैं इसका जो होता है ना, ये इसको मैं डार्क कर देता हूँ। चलो दोबारा एडिट करते हैं। अब हमने दोबारा यहाँ पर बनाया है। चलो फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैंने ढेर सारे तो ऐसे डाल ही दिए बस, तो मैं स्टॉप करके ना इन सारे पार्ट्स पे बना देता हूँ। जैसे मैंने अभी वो बनाया ना, वैसे ही आपने ये भी बनाना है, ठीक है? तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके तो गाइस, मैंने जंगल तो बुरी तरह से बना दिया, आप खुद ही देख सकते हैं। तो गाइस अब मैं जाता हूँ दोबारा कुछ करने। अब हमने क्या करना है, अब आप पूछ रहे होगे कि हमने एस्केप कैसे करना है। तो पहले आपको जाना होगा सर्च पर। सर्च पर जाके मैं सर्च करूँगा, चलिए मैं इसमें सर्च किया है लावा। इसमें आपने ये लावा क्यूब सेलेक्ट कर लेनी है। ओके अब ये थोड़ी सी छोटी पहाड़ी लग रही है। जो जो छोटी पहाड़ी है मैं उसके ऊपर ना ऐसे ही लावा बना दूंगा, ताकि कोई इधर जा ना सके। ऐसे ही थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। इधर साइडों पे भी, इधर मैं इस वाली साइड पे भी लगा दूंगा। थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको ऐसे ऊपर लगा दूंगा। ये तो हो गया बस डन थोड़ी देर में। ये भी हो गया। ऐसे ही ना जो जो ऐसे छोटी जाए ना थोड़ी थोड़ी, आपने उनको ही ना ऐसे कर देना। मैं उसको ना ऐसे ऐसे कर ही जाता हूँ। तो गाइस मैं अब ऐसे ही सारी जो छोटी छोटी पहाड़ी है उनको मैं ऐसे रेडी कर लेता हूँ। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं। ओके मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो गाइस जो जो छोटी छोटी थी ना, मैं उनके ऊपर लावा लगा दिया। अब हम अपना डालते हैं एनिमी, यानी कि अपना दुश्मन। तो इधर मैं जाता हूँ, कुछ मॉन्स्टर मुझे चाहिए ना, इसलिए मैं जाता हूँ इधर से। इधर नीचे आपको हॉरर दिख जाएगा, हेल्थ के नीचे। इधर मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ। गिर गई, ये हॉरर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना। अब ये हॉरर चीज़ें आ रही हैं, इसमें मैं थोड़ी सी बैट भी ले देता हूँ। मैंने पैट कलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर नीचे जाके मैं ये क्या कहते हैं, ये ईवल स्केलेटन ले रहा हूँ। उसमें ये बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने आप इसको ये कर लिया सिलेक्ट। तो पहले मैं ढेर सारी बैट्स डाल लेता हूँ उधर। मैं जैसे कि यहाँ पर डाल देता हूँ,
मैंने अब इसको ओहो लावा को सिलेक्ट कर लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ढेर सारी पैड्स ले ली, कोल लगा देते हैं, बाकी कुछ और जगहों पे भी पैड्स लगाते हैं। यहाँ पर इधर दो सही हैं, इधर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। एक को मैं इधर कर देता हूँ, अब मैं इसको प्ले करके दोबारा देखता हूँ। जैसे बैट्स मेरे पीछे हो रहे हैं, ये रुकिए यहाँ पर छोड़ दिया आपने, अब ये देख। वैसे मैं इनसे भी बच के भागूंगा और जो मॉन्स्टर होगा उसको भी अभी मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए मैं मॉन्स्टर को और ये तो यहाँ पर आ गया। अब मैं मॉन्स्टर को कहीं ज़्यादा दूर झाड़ियों में खड़ा करता हूँ, इस वाली झाड़ियों में, यहाँ पर ज़्यादा बैट्स हैं। एक मॉन्स्टर को यहाँ पर कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर मुँह करके इसका इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही बड़ा कर देता हूँ। ये बन गया हमारा स्टारविंग स्केलेटन। ओके अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन्स। ये स्टारविंग स्केलेटन्स बन रहे हैं, है ना। जिधर हमारा प्लेयर है उधर भी एक स्टारविंग स्केलेटन में डाल देता हूँ। ये बड़ा सा कर दिया मैंने इसको, अब हम इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं। दोबारा मैं इसको बिल्कुल रात की तरह बना दूंगा, ये देखिए ये हमारे ऐसे पीछे आ रहे हैं, ये दो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चले अब आगे एडिट करते हैं। अब आगे मुझे बताऊँ क्या करना है, इसमें मैं थोड़े से और डाल दूँ, स्टॉप करके मैं डाल दूँ। ओके चलो स्टॉप कर रहा हूँ।